सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंच गई हैं। रिया को आज सुबह 11 बजे एनसीबी दफ्तर बुलाया गया था। खबर ये है कि मुंबई एनसीबी के चीफ समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा रिया से पूछताछ करेंगे। रिया को एनसीबी ने आज सुबह समन दिया है। मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर तक एस्कॉर्ट किया है। वहीं रिया के वकील सतीश मानचंदे ने बयान दिया कि उन्होंने कोई अग्रिम जमानत दायर नहीं की है और रिया अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार है। उसको अब तक जो हम लोगों ने कस्टडी में जो इन लोगों के लिए है, सावंत इज गिवन दैट, तो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाएगा और कुछ नहीं है, आउटकम भी कम्युनिकेट है। वहीं दूसरी ओर मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से किए जाने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। संजय राउत ने हाल में कंगना रनौत पर हरामखोर लड़की बोला था, जिस पर बॉलीवुड अभिनेत्री ने अपना जवाब भी दिया। अब अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। दिया मिर्जा ने कहा कि हरामखोर बोलने को लेकर संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। आइए आपको सुनते हैं संजय राउत ने माफी मांगने को लेकर क्या कुछ कहा। ईआर न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से पल्लवी की रिपोर्ट। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। ये चमचागिरी बंद करो आप। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को यानी पाकिस्तान को, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को यानी पाकिस्तान बोलने की? अगर कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था? अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो।